पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन का 21वां स्थापना समारोह मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के जोनल कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष एसएन मौर्य और एसोसिएशन के जोनल महामंत्री राम बदन यादव सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। एसोसिएशन के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर वक्ताओं ने रेल कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं तथा उनके निवारण पर चर्चा की आगामी रणनीति बनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। जो गति दिखाई दे रही है, कारखाना भी बंद करने की साजिश चल रही है, क्योंकि हम देखे हैं तमाम छोटे छोटे जगहों पर वो प्राइवेट को दे दिया गया है काम करने, जहां हमारे मजदूर भाई काम करते थे उनको तमाम जो है प्राइवेट को दिया, ऐसी साजिश चल रही है। ओबीसी को चलाने के लिए ओबीसी के साथ हम लोग, ओबीसी कोई जात नहीं है साथी, ओबीसी एक वर्ग है। ओबीसी की संख्या हम लोगों की बहुत ज्यादा है, हम लोग आरक्षण मांगते हैं। आरक्षण एससी एसटी ओबीसी अन्य को माइनॉरिटी वगैरह को मिला दिया जाए तो 49% 5 पॉइंट मिला हुआ है, बाकी 50% से अधिक आरक्षण अन्य लोग लिए हुए हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं साथी। अब हम लोगों को जागने की जरूरत है, इस बार नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और इस अन्याय को बर्दाश्त करते रहेंगे तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि फिर वही दिन आ जाएगा जो हम लोग इसी के पीछे घुमा करते थे। गांव में 2449 जातियां हैं, पूरे देश में 2449 जातियां हैं, जिसमें 4 जातियां यादव कुर्मी नाऊ और शाहू, ये 4 जातियां को जो भी हो जिसके भी सरकार के उसमें चाहे जहां, यही 4 जातियों का नाम था कि ये आरक्षण का लाभ पाए हैं। और जातियां कितनी हैं? 2449 जातियां, यानी 2400 जातियों को अपने तरफ मोड़ने का वो काम कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है, भड़का रहे हैं अन्य जातियों को, भड़का रहे हैं। ओबीसी कोई जात नहीं है, ओबीसी एक समुदाय है।